हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट टेक्निकल ऑन दिस वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे ट्रेडर्स गाइड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एज अ ट्रेडर जब भी आप करियर शुरू करते हो स्टॉक मार्केट में, तो कौन से पहलू आपको ध्यान रखने चाहिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर, बट जो लोग सालों से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आई विल मेक मनी एवरी डे, तो सबसे मेरे हिसाब से उसे मैं रॉन्ग नंबर कंसीडर करूंगा, राइट? तो दोस्तों, हर दिन प्रॉफिट मिले, हर मंथ मिले, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए। पर जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हो तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, गेट बिग प्रॉफिट, ओके, और स्मॉल लॉसेस, राइट? यानी जो लॉस है उसमें पोजिशन नहीं रखनी है, ओके? फिर बात आती है दोस्तों स्टेप। तो जब भी हम किसी भी फील्ड में एंटर होते हैं तो उसमें हर स्टेप होते हैं। जैसे कोई भी पढ़ाई की बात करूं, या मैं कॉलेज टाइम की बात करूं, या किसी भी चीज़ की, हर फील्ड में उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होते हैं, उसके हर स्टेप्स होते हैं। एज वेल एज जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होते हैं, राइट? शुरू के लेवल बहुत ईजी रखते हैं जिससे हमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। पर स्टॉक मार्केट में भी कई बार ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि पहले लेवल उनके लिए बहुत आसान होते हैं, दे अर्न मनी, फिर कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, ओके, और बहुत बड़े क्वान्टिटी में ट्रेड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब पहले ट्रेड में विदाउट नॉलेज प्रॉफिट होता है तो तब सबसे संभलने का टाइम वही है, राइट? पर डेफिनेटली तब तो प्रॉफिट होता है तो वी कैन बी ऑन क्लाउड 9, तो मुश्किल होता है कंट्रोल करना, ओके? तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो स्टेप क्या है। तो ये जो स्टेप है दोस्तों, पूरे उल्टे हैं जो लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, फिर प्रैक्टिकल ट्रेड करते हैं, ओके, फिर आफ्टर लूजिंग मनी दे डू पेपर ट्रेडिंग, फिर पे बैक टेस्टिंग, पूरा उल्टा काम चलता है दोस्तों, ओके, और लास्ट में नॉलेज देते हैं। तो वो चीज़ जो करते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये सही मार्केट नहीं है। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज नॉलेज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बेटर टू टेक नॉलेज आफ्टर लूजिंग मनी, राइट? इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एक बार पैसे लूज होते हैं देन इट्स ओके, बट कॉन्फिडेंस अगर लूज होता है तो वी कैंट गेट इट बैक, राइट? इवन बाई पेइंग द मनी वी कैंट बाई, ओके? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये इसके स्टेप्स है, वो हर बिगिनर और सभी को एप्लीकेबल है। ट्रेडिंग अकाउंट भी लास्ट में ओपन करोगे चलेगा। सबसे पहले गेट नॉलेज, बाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है, इट्स ओके, फ्री सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो देयर, जो हमने वीडियो बनाया है, ट्रेडिंग व्यू है, और मोबाइल के लिए हमने रेकमेंड किया था मार्केट पल्स। फिर बात आती है दोस्तों सीखने के बाद डू बैक टेस्टिंग। कई लोग दोस्तों बैक टेस्टिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसमें ब्रोकरेज और वो सब कंसिडर नहीं करते हैं, राइट? एज वेल एज स्लीपेज जो आता है वो भी उसमें कंसिडर करना चाहिए। स्लीपेज यानी दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल टर्म्स में खरीदते हो तब जो ब्रोकरेज लगता है और एक्सेल जो आपका बना हुआ होता है उसी प्राइस में नहीं आता है, राइट? तो उससे हम जो डिफरेंस आता है उससे हम स्लीपेज कहते हैं, तो उसे भी कंसिडर करना चाहिए। फिर बात आती है दोस्तों पेपर ट्रेडिंग की। तो पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है और कई लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, ओके, और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पेपर ट्रेड करते हैं, या फिर स्टॉप लॉस उसमें भी नहीं करते हैं कि ठीक है पेपर ट्रेड ही है ना, और विदाउट डिसिप्लिन करते हैं, कभी करते हैं कभी ट्रेड नहीं करते हैं, राइट? सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मस्ट बी ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए, ओके? फिर बात आती है दोस्तों द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, राइट? कौन प्ले करता है? अवर माइंड। अवर माइंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस स्टॉक मार्केट गेम, राइट? कई लोग ये मार्केट में एंटर होते हैं क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि मुझे किसी के साथ डील नहीं करनी पड़ेगी, मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए होगी वहाँ पर, मुझे किससे रिकॉर्ड नहीं करना है, किसी को फोन नहीं करना है, ओके? तो बहुत आसान है कि आई विल बी माई ओन बॉस। पर दोस्तों, बॉस बन जाओगे लेकिन किसका, आप बॉस नहीं बनोगे, आपका माइंड जो है वो आपको कंट्रोल करने लगेगा, राइट? तो हम उसके एम्प्लॉय बन जाएंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है? तो उसके लिए दिस इज द माइंड गेम। तो उसके लिए क्या आपको करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। की पॉइंट्स, ईगो कैन किल यू दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ईगो जो होता है वो किल होता कर ही देता है, फिर वो स्टॉक मार्केट हो या रियल लाइफ हो, राइट? सो जो ईगो है उसको हमें छोड़ देना है, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि हर डीप में मैं बाय करूंगा और लास्ट में मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, तो वो वन काइंड ऑफ ईगो है। फिर दूसरा पॉइंट है नेवर फोकस ऑन विनिंग परसेंटेज। ज़्यादातर ट्रेडर फोकस करते हैं टू मेक मनी इन ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड, ओके? तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि परसेंटेज जो विन है वो मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेज, राइट? थर्ड पॉइंट इज कैलकुलेट रिस्क, राइट? यानी आपको आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप अगर ट्रेड करते हो
तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ज्यादातर लोग रिस्क कैलकुलेट करने से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं होता है उससे पहले ही कुछ ना कुछ ड्रीम में भी खरीद देते हैं, लाइक कार और एनीथिंग, राइट। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। फिर आगे एक बात आती है ट्रेडिंग प्लान, तो ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। वन प्रॉफिट इंस्टेड बीइंग राइट। तो दोस्तों कई लोग ज्यादातर उसी पे फोकस करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड मुझे कितने प्रॉफिट में आते हैं, राइट, पर इंस्टेड दैट हमें नेट प्रॉफिट कितना आता है उस पर फोकस करना है। ग्रीड एंड फियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, दोनों जरूरी भी है एक लिमिट में। ग्रीड कब जरूरी है, अगर आप स्टॉप लॉस डिवाइस करके पोजीशन ओपन रखते हो, राइट। और फियर यानी जब स्टॉप लॉस हो जाता है तो डेफिनेट उस टाइम पे आपको फियर फैक्टर यूज करना चाहिए स्टॉक से निकलने के लिए, ठीक है। दोनों की जरूरत है, लेकिन स्टॉप लॉस जब होता है तब की बात है। पोजीशन साइज तो दोस्तों इट मैटर्स फॉर अस। पोजीशन अगर मान लो आपकी, आप जितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से होनी चाहिए। डोंट अफ्रेड टू लूज मनी ऑन ट्रेड राइट एंड कैपिटल। तो दोस्तों कई लोगों को बहुत डर लगता है, उसी के कारण होता क्या है कि वो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर जो भी ट्रेडर स्मॉल प्रॉफिट बुक करता है तो वो लॉस बड़ा ही बुक करेगा, क्योंकि वो लॉस करने से डरता है। तो जब भी उसको लॉस होगा वो पोजीशन ओपन रखेगा एंड दे विल नेवर ट्रिगर द स्टॉप लॉस। सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन, इट कैन बी इन द लॉस राइट, एंड ऑलवेज फोकस ऑन दिस पॉइंट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। Faith in yourself, this is very necessary. Right? उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, right? So faith is our main weapon in this stock market. Key points are believe in yourself, faith in your entries and exit. दोस्तों अब जब right time पे आपका trading plan जब भी entry और exit देता है, जब एंट्री और एग्जिट देता है तो उस हिसाब उस टाइम पे आपको फेथ रखना चाहिए, राइट, और एंट्री कर ही देनी चाहिए, और जब एग्जिट मिलती है तो एग्जिट करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि एग्जिट होने के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसके बाद भी हम स्टॉक को वॉच करते हैं कि मैं निकल गया और प्राइस जो है वो बढ़ गया है, राइट, अगर लॉन्ग में है तो। उसके बाद दोस्तों इट कैन गो अप, हम एग्जिट करते हैं उसका मतलब ये तो नहीं है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा, ओके, बट वो हमारा सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है या लॉस बुकिंग पॉइंट है, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों डू योर होमवर्क। तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, राइट, तो वो ऑलवेज होमवर्क करते हैं और उनको हम होमवर्क शुरू में प्रोवाइड भी करते हैं जब तक वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो होमवर्क बहुत जरूरी है दोस्तों। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग क्योंकि आई विल बी फ्री आफ्टर 3:30। दोस्तों 3:30 नहीं, आप कभी भी फ्री नहीं होंगे, एज वेल एज आपका माइंड जो है वो कभी भी आपको फ्री नहीं होने देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू योर होमवर्क आफ्टर 3:30। कमिटमेंट फॉर योर ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडिंग प्लान को जो हमने कमिटमेंट दिया है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई लोग यू नो फ्यू पीपल चेंज द ट्रेडिंग प्लान ऑफन, बार बार चेंज करते हैं, इन जस्ट 5 days दे चेंज द प्लान, आफ्टर लूजिंग मनी इन 2 to 3 trades दे चेंज द प्लान। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिसिप्लिन, टेक पेपर ट्रेडिंग सीरियसली, बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट, जो मैंने अभी आके भी बताया। क्वालिटी ट्रेड्स कई दिन ऐसे भी आते हैं दोस्तों कि 3 से 4 दिन ट्रेड नहीं आते हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग ट्रेड्स। तो दोस्तों नहीं आ रहे हैं ट्रेड तो उसे फोर्सफुली तो करना नहीं है, क्योंकि हमारा एम कोई वॉल्यूम करना तो है नहीं, अवर मेन एम इज टू मेक द मनी, राइट। सो फोकस ऑन द क्वालिटी ट्रेड्स, होल्ड इन प्रॉफिट्स, गो विद द फ्लो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ज्यादातर लोग इसी में, 99% ट्रेडर इसी में सक्सेस नहीं होते हैं, दे नेवर ट्रेड इन द दे नेवर होल्ड इन द प्रॉफिट्स, राइट। गो विद द फ्लो यानी कि ट्रेंड जो है उसी के साथ जाना चाहिए। इफ यू डोंट बुक अ स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस, राइट। ये देखिए दोस्तों जिन्होंने ये लिखा है, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेंटेंस जो फाउंडर ट्रेडर है उन्होंने लिखा है, इफ यू डोंट बुक अ स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस, यानी सबसे बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसा उनका कहना था, राइट, ये उनकी खुद की लैंग्वेज है। फिर बात आती है दोस्तों कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो शुरू में जब एंटर होते हैं तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन एंड में नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बार अगर हम लूज करते हैं तो उसे रीगेन करना इम्पॉसिबल है। की पॉइंट्स, फेथ इन योर एंट्री एंड एग्जिट ऑलवेज रखिएगा, जो मैंने अभी आगे भी बताया, डिफाइन एग्जिट बिफोर एंटरिंग ट्रेड। कई लोग हम मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने ये स्टॉक ये प्राइस में लिया है, अभी मैं लॉस बुक कर लूँ या स्टॉप लॉस क्या हो सकता है या होल्ड करूँ।
दोस्तों पहले एंट्री लेने से पहले ये चीज पूछनी चाहिए या आपको खुद को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी एंटर होते हैं राइट कोई भी चीज में ओके, तो हमें एग्जिट पता होनी चाहिए। डोंट चीट टू योर ट्रेडिंग प्लान। कई बार हम ट्रेडिंग प्लान को चीट करते हैं तो उसकी सजा हमें पनिशमेंट जो होता है वो ऑन द स्पॉट मिल जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देखिएगा जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उन वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके होते हैं राइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं। तो उसके जो कीज है की पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। की पॉइंट्स आर ट्रेड साइज, रिस्क नो मोर देन यू कैन अफोर्ड। आपकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों उसके हिसाब से करना चाहिए। उसके लिए हमने हाउ टू इंश्योर योर ट्रेड वाला जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है दोस्तों, वो एक बार जरूर देखिएगा। इमोशंस कैन इंक्रीज स्ट्रेस। अगर आप इमोशंस रखेंगे दोस्तों कि आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू होम राइट, बाय अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट राइट, या फिर कोई भी कोई कमिटमेंट आपको पूरा करना है तो उसके लिए अगर आप कोई रखते हो टारगेट आपके माइंड में तो इमोशंस क्रिएट होगा और वो क्रिएट करेगा स्ट्रेस। और सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है वो आपके हार्ट रेट है राइट। जब भी आप कोई गलत कदम उठाते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ओके, तो समझ लीजिए कि इट्स अ इंडिकेटर एंड इट इंडिकेट्स कि भाई आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं होता है, इट इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। नो योर कम्फर्ट जोन दोस्तों, आपका कम्फर्ट जोन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है राइट। कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो, यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों कि गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, वो तो रियल लाइफ में कहते हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मोटिवेशन हमें हरा भी सकता है राइट। वन मोर थिंग दोस्तों स्ट्रेस के लिए, टेक बेबी स्टेप, यानी कम ट्रेड से शुरू करें। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उन्हें ऑलवेज डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए 10,000 ट्रेड वैल्यू रखवाता हूँ राइट, फिर 25, 45, 50, 75, 1 लाख, धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ता है ओके, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ जाएगा राइट। डोंट बी मिस्टर स्टूपिड ओके दोस्तों, यानी पता चल गया है वही कहा ही होगा आपको कि हमें जो भी है वो ध्यान से ट्रेड करना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो तो आप देख सकते हो इस इमेज में कि अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग होते हैं ओके। तो जब आप एंटर होने वाले हो तो मैंने क्या बताया कि लास्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना, तो उससे पहले ही आपको यू शुड डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू परफॉर्म लाइक अ स्कैल्पर, लाइक अ डे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर राइट। आप मिक्सिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको मजा नहीं आएगा राइट, क्योंकि हर चीज का माइंडसेट अलग अलग होता है। एज अ स्कैल्पर, स्कैल्पर क्या करते हैं स्मॉल मार्जिन ऑफ अमाउंट में वो ट्रेड करते हैं, यानी 100 रुपीज में खरीदते हैं और 100.25, 20 बहुत कम पैसे में निकलते हैं राइट। फिर बात आती है डे ट्रेडर की, तो डे ट्रेडिंग दोस्तों एक्चुअली बहुत आसान है पर लोगों ने उसको बना दिया है मुश्किल, क्योंकि जब बात आती है स्टॉप लॉस की तो वो लोग फिर पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए राइट। आप अगर डे ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो लास्ट में लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको निकलना ही चाहिए। तो दिक्कत ये आ जाती है दोस्तों कि डे ट्रेडर कई बार जब स्टॉप लॉस का टाइम आता है तो वो बन जाता है पोजिशनल ट्रेडर, और पोजिशनल ट्रेडर भी कई बार क्या करते हैं दोस्तों, आज कोई शेयर खरीदते हैं 100 रुपीज़ में और लास्ट में 104 होता है तो दे बुक द प्रॉफिट और कहते हैं कि ठीक है अगर इंट्राडे में इतना मिल रहा है तो मैं एग्जिट कर लूँ, तो वो भी गलत है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने तय किया था एट द टाइम ऑफ एंट्री कि ही विल परफॉर्म एज अ पोजिशनल ट्रेडर और फिर कमिटमेंट ब्रेक करते हैं तो वो गलत बात है ठीक है। तो आपको जब शुरू करने वाले हो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो उससे पहले आस्क योरसेल्फ राइट, व्हाट डू यू वांट टू बी, यू वांट टू बी अ स्कैल्पर, डे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, उसमें हम छोटी छोटी स्विंग कैच करते हैं, तो दोस्तों वो पूरा अलग आता है, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा राइट, पर इतना आपको आइडिया आ गया कि ऐसी सब अलग अलग पर्सनालिटी आती है तो वो हमें तय करनी है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपके लिए पॉसिबल नहीं है डे ट्रेडिंग करना ओके, तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर वेनसडे छुट्टी होती है तो सिर्फ वेनसडे डे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं होता है राइट। तो तय कीजिए कि आप कौन सा चीज़ कर सकते हो राइट, और फिर उसके बाद आपको वो रोल को चूज करना है और बखूबी निभाना है राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया, अडॉप्ट रोल एज पर योर कम्फर्ट लेवल राइट एंड डोंट चेंज द मूड, जो मैंने बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग से चेंज होके स्विच करके पोजिशनल, फिर कहीं पास स्कैल्पर, कहीं पास स्विंग ट्रेडर, ऐसा नहीं करना है राइट। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है,
और सबसे दिक्कत यही आ जाती है दोस्तों, कई लोग कैपिटल का प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और फिर लास्ट में आप देखिए, आप किसी भी ट्रेडर को पूछेंगे कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं अपना लॉस कवर करने के लिए ही ट्रेड कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टॉप ट्रेडिंग, तो वो कभी होने वाला है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए पहले से ही इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो कैपिटल के लिए कभी भी ट्रेड करो तो डोंट ट्रेड टू कवर कैपिटल, हाँ, और उससे पहले कैपिटल को रिजर्व करना है, तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट रूल जो है वो हमारे YouTube वीडियो में है, हाउ टू इंश्योर योर ट्रेड, जो मैंने आगे भी आपको बताया, राइट। एंड अवॉइड बिग ट्रेड्स, यानी बड़ी क्वांटिटी करने की मत सोचिए, कई बार कई ट्रेडर ऐसी गलती कर देते हैं कि ये मेरा लास्ट ट्रेड जो भी होगा देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड, तो दोस्तों उस पर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया था जो ऑलरेडी चैनल पे है, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, राइट। मैं सिर्फ रिस्क तय करने में बिलीव करता हूँ, रिवॉर्ड फिर मार्केट की मर्जी, ये मेरा मानना है। पर की पॉइंट्स उसमें ये हैं दोस्तों कि वन जेम वन भी रख सकते हो, और जब वन जेम वन आपका वो रहता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो आपका जो जो रेशियो होता है सक्सेसफुल रेशियो, परसेंटेज रेशियो, वो 50% मिनिमम होना चाहिए, राइट। वन जेम टू भी रख सकते हो, वन जेम थ्री भी रख सकते हो, पर मैं ऐसा चाहूंगा गो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। पर फाइनली तो ये चीज दोस्तों आपको करनी है, तो आप जो कंफर्ट लेवल है उसमें करना चाहिए, राइट। इंश्योर योर ट्रेड दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने बताया है कि हाउ कैन यू इंश्योर योर ट्रेड, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। फिर बात आती है दोस्तों टाइम फ्रेम की, तो सीखने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि कौन सा टाइम फ्रेम मैं देखूं, इवन जब आप सीख रहे होंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसमें कई ट्रेडर्स की लाइफ तो इसी में चली जाती है, क्योंकि कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो गो विथ 5 मिनट चार्ट, और जब कम होती है तो और कोई चार्ट में चले जाए, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। इसमें की पॉइंट्स है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग, इफ यू वॉन्ट टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग देन गो विथ डे चार्ट्स, वीक चार्ट्स, राइट। उसके अलावा भी मंथली चार्ट में भी जा सकते हैं, बट जस्ट चेक योर रिस्क एपेटाइट, राइट, योर रिस्क कैपेसिटी। इफ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन गो विद मंथली चार्ट एज वेल एज यू कैन गो विद ईयरली चार्ट, पर मेरे हिसाब से डेली एंड वीकली चार्ट विल बी इनफ। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों, मैं डेली चार्ट से भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, राइट। इंट्राडे डेली चार्ट से भी यू कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कहीं ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लाइव चार्ट्स रेकमेंड करते हैं, तो उसमें 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स आता है। मैं ज़्यादातर सालों से 30 मिनट्स चार्ट ही देखता हूँ, ओके। फिर टेक्निकल एनालिसिस स्टडी की जो बात आती है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस वहाँ पे बहुत सॉलिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। बट मेरा जो सबसे फेवरेट है वो प्राइस एक्शन, राइट। मैं ज़्यादातर एंट्री और एग्जिट के लिए आई ऑलवेज यूज़ प्राइस एक्शन, कई लोग ATR, RSI और कई अलग अलग चीज़ भी यूज़ करते हैं, पर मैं ऑलवेज कैंडल स्टिक से ही एंटर होता हूँ और कैंडल स्टिक से ही एग्जिट करता हूँ, राइट। दिस अबाउट माय ट्रेडिंग स्टाइल, ओके। कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो वो भी मेरी बहुत फेवरेट है, वहाँ पे बहुत सारी पैटर्न्स है, पर मेरी जो फेवरेट पैटर्न्स है वो मैं बता दूँ, डार्क क्लाउड कवर, ओके, जिसके थ्रू हमने लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला था, राइट। सो डार्क क्लाउड कवर इसलिए सक्सेस, इसलिए मेरा फेवरेट नहीं है कि लास्ट वीक का जो ट्रेड था वो अच्छा परफॉर्म हुआ है, पर सालों से मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, राइट, इसीलिए हमने वीडियो पे शेयर की थी। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डार्क क्लाउड कवर 2 कैंडल का पैटर्न है, राइट, इसका वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ये लो के नीचे वो शुरू हो गया है ट्रेड, स्टॉप लॉस हम रिवाइज करना कहते हैं दोस्तों, पहले ये हाई था, फिर ये हाई और ये हाई, दिस वीक इज रनिंग राइट नाउ, राइट। सो वेट टू कंप्लीट दिस कैंडल एंड आफ्टर दिस फ्राइडे अवर न्यू स्टॉप लॉस विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल एंड इट कैन बी चेंज, राइट। अभी तो हो सकता है चेंज, राइट, बट ये हाई है 22098.85। सो नेक्स्ट वीक तक अगर ये हाई नहीं ब्रेक होता है देन दिस कैन बी अवर न्यू स्टॉप लॉस, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। और मेरा दूसरा जो फेवरेट पैटर्न है वो हैमर है, तो हैमर और बॉलिंगर बैंड का कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हमने अपलोड किया ही है चैनल पर, तो वो भी जरूर देखिएगा, राइट। फिर बात आती है दोस्तों, सो 2 से 3 पैटर्न मेरी फेवरेट है, बुलिस एंगल्फिंग, बेरिस एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, उसमें भी बुलिस बेरिस और बुलिस हैमर एंड बेरिस हैमर, ये 3 कैंडल मेरी फेवरेट है। और 4-1 इज ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम, तो उसका जब टाइम आएगा आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंगर बैंड, राइट। फिर बात आती है दोस्तों चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न उतना मैं यूज नहीं करता हूँ, ओके, पर वो सीखना चाहिए। चार्ट पैटर्न की अगर बात करूँ तो आपको अभी एक लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा मैं, निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी में नहीं बहुत सारे स्टॉक्स में वो चीज़ बन रही है। एक्चुअली मैं इतना उस पर
हाँ अगर कोई ट्रेडिंग प्लान और आपको सपोर्ट कर रहा हो देन इट्स ओके, अदरवाइज सिर्फ प्राइस चार्ट पे जाना उतना वो मुश्किल हो जाता है, राइट। अभी इसमें मैं प्राइस एक्शन ऐड करूंगा तो मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, राइट, देन आई विल फील कंफर्ट। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और वहां पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रही है, राइट। सो निफ्टी हैज ब्रोकन दिस नेक लाइन टूडे। अभी कल एक रिएक्शन आ जाए दोस्तों तो और एडवाइजेबल है मेरे हिसाब से, राइट। अदरवाइज अभी तो फिलहाल लो है निफ्टी के लिए 11,111.85, पर कल अगर रिएक्शन लेता है यहाँ पे छूटा यानी क्लोज अप देता है एंड परसों इफ इट ब्रेक्स दिस लो 11,218.50 तो फिर ये जो हैंड एंड शोल्डर है बैरिस उसमें और रिजल्ट अच्छा मिल सकता है, राइट। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों बहुत सारे स्टॉक में ये पैटर्न अभी फिलहाल बन रही है, ठीक है। सो मैंने बता दिया कि हेड एंड शोल्डर ऐसी बहुत सारी कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स आती है। तो राउंडिंग बॉटम हमने आपको मंथली चार्ट में एक टीसीएस में दोस्तों बताया था, ये देखिए दोस्तों छोटा एक राउंडिंग बॉटम था, लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद इट टुक द रिएक्शन और यहाँ से इसमें एंट्री थी, एज वेल एज डॉक्टर रेड्डी में भी वी गॉट द सेम राउंडिंग बॉटम। देखिए इसमें द स्पैन इज बिगर देन टीसीएस, आप देख सकते हो कि उसका जो कंसोलिडेशन का जो जोन था वो बड़ा था कंपेरिटिवली, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आफ्टर दैट इट टुक द रिएक्शन और यहाँ से आप देख सकते हो अबो 4,758.60, राइट दोस्तों। सो चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छी चीजें होती है इंडिकेटर्स, बट मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन, राइट। नेवर गो विदाउट रिएक्शन वॉट एवर यू यूज फ्रेंड्स, राइट। यू रिएक्शन कैन बी योर बेस्ट वेपन, राइट। इट ऑलवेज हेल्प्स यू फ्रॉम द ट्रैप, ओके। तो ट्रैप होने से आप बच सकते हो। फिर बात आती है इंडिकेटर्स, तो दोस्तों मैं इंडिकेटर का यूज ज्यादातर एंट्री के टाइम पे ही करता हूँ सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, ओके। बाकी एग्जिट में ऑलवेज प्राइस से ही करता हूँ क्योंकि प्राइस इज द गॉड, ऐसा हमने सालों से सुना है, नहीं हो गया। फिर वेव स्टडीज भी आती है जिसमें इलियट वेव और बहुत ज्यादा सब चीजें आती है, उसमें भी बहुत कुछ दोस्तों रहता है, डिटेल में आप जा सकते हो, ओके। उसमें भी सब अलग अलग इम्पल्सिव और सब वेव्स आते हैं, वो बहुत डीप में जाना पड़ता है, उसका बैक टेस्टिंग करने में ही सिर्फ दिक्कत है, वही उसका प्रॉब्लम है, राइट। फिर बात आती है ट्रेडिंग टूल्स, तो ट्रेडिंग टूल्स में भी बहुत सारे टूल्स है दोस्तों, तो वो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए कि गैन स्विंग है, पीच फॉग है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। सो फाइनली द कंक्लूजन इज प्राइस इज द गॉड बिफोर वॉर। तो देखिए ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक यू आर गोइंग फॉर वॉर, ओके। तो वहां पे उसके रूल है, तो याद रखिएगा की पॉइंट बैक टेस्टिंग एंड पेपर ट्रेडिंग दोनों बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, एंड टेक इट सीरियसली। ज्यादातर लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में ही मुझे प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पेपर ट्रेडिंग के टाइम पे हम सीरियसली करते नहीं है, अगर पेपर ट्रेडिंग को भी हमें ऐसे लेना चाहिए मानो आपने प्रैक्टिकल वे में ट्रेड किया है, राइट दोस्तों। सो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो सभी जो नए लोग एंटर हुए हैं स्टॉक मार्केट में, एज वेल एज जो पुराने लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, तो उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा, तो उनको भी पता चले कि रिएक्शन कितना पावरफुल चीज़ होता है, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।